एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल पंचायती राज डे के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 24 अप्रैल 2023 यानी आज के दिन भारत अपना 13वां नेशनल पंचायती राज डे को सेलिब्रेट कर रहा है। आज के दिन हम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी जो क्रूशियल रोल है हमारी डेमोक्रेसी को बिल्डअप करने में, साथ ही साथ जो गवर्नेंस है उसको बिल्डअप करने में उनके क्रूशियल रोल को सराहना देते हैं, उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। इस कारण से आज के दिन जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और हमारे देश के प्रधानमंत्री कई सारी योजनाओं का भी जो है वो शुभारंभ करते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सब पहलुओं पे चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कि पंचायती राज होता क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आर्टिकल्स आते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंचायती राज डे होता क्या है और इस दिन के अंतर्गत क्या क्या चीजें भारतीय सरकार करती है। सबसे पहले आप ये जानिए कि आज के दिन यानी 24 अप्रैल 1992 को 73rd अमेंडमेंट के तहत जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनका इनैक्टमेंट हुआ था, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आज ही के दिन लागू किया गया था 1992 में। उसके बाद 2010 से भारतीय जो सरकार है उसने ये निर्णय लिया कि हम हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाएंगे। आज के दिन जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो काफ़ी सारे जो लोग अच्छा काम करते हैं पंचायत या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से भी नवाजती है। देखिए, इस कैटेगरी में कुल 5 तरीके के अवार्ड आते हैं और इन सभी नामों को जानना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो हमारा पहला है अवार्ड, उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत संरक्षण पुरस्कार। दूसरा है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तीसरा है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। चौथा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड। और हमारा पाँचवा है ई पंचायत पुरस्कार। ये सिर्फ स्टेट्स या यूटीज को ही दिए जाते हैं, ये किसी पर्सन या फिर किसी कम्युनिटी को ये जो आखिरी अवार्ड है हमारा ई पंचायत पुरस्कार वो नहीं मिलता है। देखिए, इन पांचों के नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे मिनिस्ट्री पूछ देती है, आपको इनके नाम दे दिए होते हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो 5 अवार्ड हैं ये 24 तारीख को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर हम बस इतना याद रख लेते हैं तो हमें ये याद रहेगा कि 24 तारीख को क्या है पंचायती राज डे। इससे हम इंटरलिंक करके तुरंत मिनिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। यूपीएससी में हमेशा हमें इंटरलिंक करते हुए अपने नॉलेज को चलना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसका जो मेन मकसद था वो भारत के अंदर ग्रास रूट लेवल पे जो है सेल्फ गवर्नमेंट्स को प्रमोट करना था। जितनी ज़्यादा हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो मजबूत बनेंगी, उतना ही जो है देश के अंदर डेमोक्रेसी या फिर कह लो लोकतंत्र जो है मजबूत होगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिए गए हैं जो कि पंचायती राज से रिलेटेड हैं, तो देखिए डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 40 जो कि पंचायत का मेंशन करता है, और दूसरा हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 जो है स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो है लेजिस्लेचर यानी कानून और नियम बना सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया 2022 में। उससे पहले हम ये जानते हैं कि ई ग्राम स्वराज जो कि एक वेब बेस्ड पोर्टल है इसकी शुरुआत की गई 2020 में। ई ग्राम स्वराज को इसलिए लाया गया ताकि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर डिजिटलाइजेशन लाया जा सके, और ये जो हमारे वेब बेस्ड पोर्टल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल को बहुत सारी अदर ऐप से भी जोड़ दिया गया, जैसे कि एरिया पोरिफिलर, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, और साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत एक्टिविटी को ट्रैकिंग करने के लिए कई सिस्टम बनाए गए हैं उन सब से ई ग्राम स्वराज को जोड़ दिया गया। देखिए, ई ग्राम स्वराज एक मेन वेब बेस्ड पोर्टल है, इसको कई सारे अदर ऐप से इंटरलिंक कर दिया गया है ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ग्राम पंचायतों में उनको हम अच्छे से ट्रैक कर सकें, क्योंकि जब तक हम ट्रैकिंग सही नहीं करेंगे, जब तक हम रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम
ग्राम पंचायतों को और मजबूत नहीं कर पाएंगे। और हमारे भारत में अभी आवश्यकता है कि हम अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है फीचर्स ऑफ पंचायती राज। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस है पंचायती राज से रिलेटेड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 9 है, यानी भारतीय संविधान का पार्ट 9 जो है, उसमें पंचायत को जोड़ा गया। पंचायत एक 3-tier सिस्टम है, यानी कि 3 स्तरों की सरकार होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायत के अंतर्गत। सबसे पहले होती है विलेज लेवल पे, दूसरी होती है ब्लॉक लेवल पे या फिर तालुका लेवल पे या फिर मंडल लेवल पे, और जो तीसरी होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी कि पहली जो सरकार है वो रहेगी आपकी गांव में, ग्राम सभा आपकी। ग्राम सभा के तहत जितने भी एडल्ट मेंबर हैं, यानी कि 18 प्लस हैं, वो सभी जो है ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। जो दूसरा लेवल है आपका वो हो जाएगा ब्लॉक, तालुका या मंडल, और जो तीसरा लेवल हो जाता है वो हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब देखिए, जो पंचायत की सीट है वो सभी सीटें डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू फिल की जाती हैं, और ये बात हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 243C सब क्लॉज 2 के अंतर्गत बताई गई है। साथ ही साथ ये जितनी भी लेवल की पंचायतें हैं उनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व हैं। साथ ही साथ 1/3 जो सीट है, यानी 1/3 सीटें जो हैं, वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और 1/3 सीट जो चेयरपर्सन की आपके पद हैं, यानी कि जो चेयरपर्सन होगा, जो हेड करेगा कमेटी को, उस जगह भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब ये आरक्षण महिलाओं का किस आर्टिकल में दिया गया है वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। ये दिया गया है 243B के तहत। जो 243G आर्टिकल है वो ये कहता है कि जो पंचायत है उनके पास ये शक्ति है कि वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए जो है अपने तरीके से अपनी जगह पर काम कर सकती हैं। यानी कि ग्राम सभा जो है वो गांव के लेवल पर कैसे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो, कैसे उन्हें सोशल जस्टिस मिले, कैसे ये सब चीज़ें सही हो गांव के अंदर, इसके लिए उन्हें पूरी आज़ादी है कि वो अपने तहत से प्लान्स बना सकते हैं। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 243G के तहत। साथ ही साथ पंचायत जो रेवेन्यू मॉडल है, आखिर जब सरकार है तो उनका कुछ रेवेन्यू मॉडल होगा, तो वो सोर्स क्या है पंचायतों का रेवेन्यू का। देखिए, पंचायतों को यानी कि जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है उन्हें कितना पैसा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कब कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। और स्टेट लेजिस्लेचर को आर्टिकल 243H के तहत ये पावर दिया गया है कि आप पंचायतों का पूरा बजटरी एलोकेशन जो है वो देखेंगे। साथ ही साथ आर्टिकल 243I कहता है कि एक फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश की जाए जो कि ये डिटरमाइन करेगी कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को कितने फंड मिलने चाहिए। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एक फाइनेंस कमीशन सेंट्रल लेवल पर अपॉइंट होती है, लेकिन ये वो नहीं है। ये 243 के तहत, 243I, इसके तहत एक फाइनेंशियल कमीशन स्टेट लेवल पर भी जो एस्टैब्लिश की जाती है, और इसका काम होता है स्टेट लेजिस्लेचर को बताना कि आप किस तरीके से कितने फंड जो है म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत को बांटेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है पंचायती राज के बारे में, वो ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 9 है, अभी मैंने आपको बताया पार्ट 9 यानी पंचायत, वो कुछ स्टेट्स में लागू नहीं होता है, जैसे कि असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये जितने भी ये 4 राज्य हैं ये हमारे शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा क्यों है, क्यों इन राज्यों में जो है पंचायती पंचायत या फिर आप कह लो पार्ट 9 लागू नहीं होता है। देखिए, ये जो 4 राज्य हैं यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं। ये जो 4 राज्य हैं यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 90% से ऊपर ट्राइबल पॉपुलेशन है, और हमें पता है कि संविधान हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत ही ज़्यादा संरक्षण प्रोवाइड करता है। तो इस कारण से जो है इन 4 एरिया में, और साथ ही साथ कुछ हिस्सा मणिपुर और कुछ वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग का हिस्सा है, वहाँ पर भी कुछ हिस्सों में जो ये पार्ट 9 है वो लागू नहीं होता है। अगर हम बात करें जो हमारा पंचायत राज है,
वो जो हमारे स्टेट्स दिए गए हैं शेड्यूल फिफ्थ के अंतर्गत उनमें लागू होता है, लेकिन किस एक्ट के तहत? प्रोविजन ऑफ पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 1996 के तहत जो भी राज्य यानी कि 10 राज्य शेड्यूल फिफ्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर इन स्टेट्स में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। अब इनको बचाने के लिए, क्योंकि ये जो ट्राइब्स हैं इनके वेलफेयर के लिए, इनके सोशियो कल्चर के लिए, और ये काफी डिफरेंट होते हैं बाकी समाज से, इसलिए इनको एक अलग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन पंचायत एक ऐसी चीज है जो हर जगह जाना जरूरी है, इसलिए पेसा के तहत जो है यानी कि आपका पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 96 के तहत जो है इन 10 स्टेट्स में पंचायत को लागू किया गया है। कौन कौन से हैं वो 10 से राज्य? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना। अब हम बात करेंगे कि भारत में आज नेशनल पंचायती राज डे के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सारी ग्राम सभाओं को और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने एड्रेस किया है। कहाँ से? रेवा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर मोदी जी ने यानी हमारे प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और साथ ही साथ जेम पोर्टल के बारे में काफी कुछ कहा और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें बताया। प्रधानमंत्री ने विकास की ओर साझे कदम नामक एक कैंपेनिंग की भी शुरुआत की और साथ ही साथ उन्होंने 35 लाख लोगों को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हम बात करें तो उन्होंने कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट जो कि कुल 2300 करोड़ के आसपास के हैं उसके भी फाउंडेशन स्टोन रखे और साथ ही साथ ग्वालियर स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट प्लान बताया। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 5 प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी दी है जिसके अंदर 7,853 करोड़ रुपए लगने वाले हैं और इससे टोटल 9.5 लाख फैमिलीज ओवर 4,000 विलेजेस में जो रहती हैं उनको बहुत फायदा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।